वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक्सो गाइस। आज की स्टूडियो में बात करेंगे ओप्पो रेनो 7 5G जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 12 और कस्टल का बीटा फॉर्म को लाइव कर दिया गया है। इस फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करना होगा अपने डिवाइस में, क्यों इसको अप्लाई करना चाहिए, क्यों इसको मिस करना चाहिए, आप फॉर्म तो अप्लाई कर लोगे फिर आपको आपके डिवाइस में अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, सारी कुछ डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो रेनो 7 5G डिवाइस के एंड्रॉइड 12 और कस्टल बीटा फॉर्म के बारे में। उससे पहले आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड करके रखना है। आपके डिवाइस में जो भी सिक्योरिटी पेज अपडेट देखने को मिलता है उसे आपको अपडेटेड कर लेना है, तभी आपके डिवाइस में कस्टल बीटा फॉर्म अप्लाई मतलब लाइव देखने को मिलेगा। अब इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते तो आप इस अपडेट को मिस कर दीजिएगा, क्योंकि कस्टल बीटा के साथ में आपके डिवाइस में हीटिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, बैटरी ड्रेन इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उन इसके बारे में बात करें कि जिन्हें उसको अपने डिवाइस में कस्टल बीटा फॉर्म को अप्लाई करना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपके डिवाइस की सेटिंग सॉफ्टवेयर में जाना है, राइट टॉप कॉर्नर पर सेटिंग आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, फिर वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन शो होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर वहाँ पर आपको आपके डिवाइस में बीटा शो होगा, उस बीटा पर आप टैप करोगे, नीचे कंटिन्यू बटन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ध्यान रखना, आपको जियो का नंबर इंटर नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म अप्रूव या फिर पासवर्ड नहीं होगा। आप आइडिया एयरटेल का फॉर्म मतलब आइडिया एयरटेल का नंबर इंटर कर सकते हो, फिर आपका फॉर्म अप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म अंडरव्यू में चले जाएगा। अंडरव्यू में जाने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव या फिर पासवर्ड होगा, जो कि यहाँ पर 3 दिन बाद होगा, क्योंकि 3 दिन तक आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा बाकी यूजर्स को भी। तो यहाँ पर 3 दिन बाद आपको आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर के सेक्शन में कस्टल बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, जिसकी साइज आपको 5 GB के आसपास देखने को मिलेगी। इस अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको आपके डिवाइस का चार्ज 60% प्लस रखना है, डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज 10 GB फ्री प्लस रखना है, तभी आपके डिवाइस में कस्टल बीटा अपडेट को इंस्टॉल कर सकोगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमें टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है, बाय बाय, टेक केयर।